अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका इस्तकबाल करती हूँ अपने चैनल मुख्तलिफ ज़ायके में। नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं लच्छा पकौड़ा। लच्छा पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ पर हमने दो बड़ी प्याज का इस तरह से स्लाइस कर लिया है, ये बहुत बारीक हमने कट किया है, और इनको हाथ से इस तरह से मसल के अलग अलग कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आपने कर लेना है। दो मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और उसको इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है, बहुत ही फाइन सा कट करना है आपने। तो आलू को हमने पानी में डिप करके रखा है, क्योंकि आलू काला पड़ जाता है, इसलिए आपने इसको पानी में डिप करके रखना है। तो इसको हम ड्रेन कर देते हैं इसके पानी को। चलें, इसको हमने ड्रेन कर दिया। मसाले कुछ इस तरह से लिए हैं। यहाँ पर हमने लिया है एक चाय का चम्मच चाट मसाला लिया है, आधा चाय का चम्मच जीरा लिया है, आधा चाय का चम्मच ली है अजवाइन, उसको हाथ से क्रश कर दिया है, मसल दिया है, और हाफ टी स्पून ही हमने यानी आधा चाय का चम्मच नमक लिया है, और एक चाय का चम्मच भर के यहाँ पर हमने लिया है अनारदाना, तो इससे इसका जायका बहुत अच्छा होता है। तो चलें, सारे मसाले हम प्याज में डालते जाते हैं। यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून भर के चावल का आटा लिया है, इससे पकौड़े जो हैं ये आपके बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे। यहाँ पर हमने बेल पेपर ली है एक मीडियम साइज़ की, और रेड और ग्रीन दोनों थी हमारे पास वो ले ली है, और दो हरी मिर्च हमने यहाँ पर देखी कट करके दिख रही हैं आपको, दो हरी मिर्च बीच से स्लिट करके कट कर लिया है। बेल पेपर अगर आपके पास नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई भी एक तरह की है तो भी डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून भर के हरा धनिया पुदीना, इसको बारीक चॉप कर लिया है। जो आलू के लच्छे काटे हैं उन्हें भी आप इसमें शामिल कर लें। हाफ टी स्पून डाल देंगे हल्दी। और हाफ टी स्पून ही यहां पर हम डाल रहे हैं लाल मिर्च का पाउडर। अब जो हमने ये बेसन रखा है, बेसन हमने थोड़ा थोड़ा ही डालना है, क्योंकि बस बाइंडिंग हमें करनी है, बाकी एक्स्ट्रा बेसन नहीं डालना है। तो फिलहाल हमने 1 कप बेसन रखा है, लेकिन अभी हम इसमें आधा कप डाल रहे हैं। आधा कप डालने के बाद इन सब चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है तो लगता तो यही है कि पूरा कप ही जाएगा, और हो सकता है और ज़्यादा भी जाए, तो पहले आप कम ही मिलाएं, क्योंकि बेसन ज़्यादा मिलने से फिर वो जायका उसका अच्छा नहीं होता है, जो भी आप बनाते हैं पकौड़े वगैरह। बस इतनी रिक्वायरमेंट होती है कि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। चले, तो यहाँ हमने पूरा कप बेसन डाल दिया है, बस इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको जोड़ लेंगे, इतना कि ये अच्छे से पकौड़े बन सकें। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। बैटर बनके हमारा फर्स्ट क्लास रेडी हो गया है। अगर पकौड़े डाल के देखेंगे, अगर और रिक्वायरमेंट होगी तो इसमें हम और भी शामिल कर सकते हैं बेसन, अदरवाइज ये बिल्कुल परफेक्ट है, और पानी इसमें आधा कप से भी बहुत कम गया है, ये आप देख सकते हैं। तो चलें, ऑयल गर्म कर लेते हैं, पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में हमने ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया है, और इसे अब हम फ्राई करने लगे हैं, इनको गोल्डन सा फ्राई करना है। देखिए बेटर हमारा अच्छा और थोड़ा पानी छोड़ दिया है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि बस बहुत ज़्यादा देर आपने रखना नहीं है, प्याज है पानी छोड़ देती है। तो चलें, बस इसे हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे इस तरह से, और इसमें डालते जाएंगे। जिस तरह से प्याज के पकौड़े बनते हैं, बस उसी तरह से ही होते हैं, बनते हैं, बनाए जाते हैं ये पकौड़े भी। बस ये है कि थोड़े से मसाले अलग हैं, तरीका अलग है, चीज़ें अलग हैं, आपको बहुत संभाल के आपने बनाना है। पकौड़े बनाते टाइम फ्लेम स्लो नहीं करनी है, इनको फास्ट फ्लेम पे ही बनाएंगे हम। बस एक कढ़ाई में जितनी गुंजाइश हो, जितनी बड़ी आपकी कढ़ाई हो उतने ही आपने ये पकौड़े डाल देने हैं। बस ये ध्यान रखना है कि इसको अच्छे से जोड़ते हुए आपने लेना है,
जोड़ के थोड़ा सा फ्लैट कर दें और फिर इसको डाल दें स्टोव पे। अभी 1.5 से 2 मिनट इसको इस तरह से ही फ्राई करेंगे और उसके बाद इसको टर्न कर देंगे। चलिए अभी इसमें कलर आने लगा है, अब इसको धीरे धीरे टर्न कर देंगे। जैसे जैसे आपने डाले होते हैं वैसे वैसे ही आप इनको टर्न कर दें। ऑयल अब अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हमने फ्लेम जो है थोड़ी सी मीडियम कर लेनी है, क्योंकि पकौड़े डालते टाइम कभी भी फ्लेम आपने स्लो नहीं रखनी है। चलिए अब 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से डन हो जाएंगे। फ्लेम अब हमने स्लो कर, मतलब मीडियम टू लो कर दी है। भजिए हमारे फ्राई होके रेडी हो गए हैं। अब इसके साथ खाने वाली हम बहुत अच्छी सी एक डिप बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम ले लेंगे दही। तो यहाँ हमने 2 टेबलस्पून दही ले लिया है। अब इसमें हम लेंगे मेयोनीज। मेयोनीज इस वक्त हमारे पास घर की नहीं है तो हमने ये अमेरिकन गार्डन की ली है, और साथ में डालेंगे थोड़ी सी चटनी। तो चलें आपको दिखाते हैं यमी सी डिप। अब इसमें डाल देंगे हम 1 टेबलस्पून भर के मेयोनीज। और यहाँ पर हमारे पास हरा धनिया, पुदीना और लहसुन, नमक डाल के हमने एक चटनी बनाई थी, तो वो हम चटनी इसमें थोड़ी सी डाल देते हैं। 1 चाय का चम्मच जितनी चटनी हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये इसके साथ बन गई पकौड़ों के साथ खाने वाली डिप। तो लीजिए नाज़रीन, ये लच्छा पकौड़ा क्रिस्पी करारा सा बनके एकदम यमी सा रेडी है, और साथ में इसके बेहतरीन सी हमने डिप बनाई है। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मुख्तलिफ जायके की आपको हरदम मिलती रहे। नेक्स्ट रेसिपी के साथ सीमा शेख आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगी। अल्लाह हाफिज़।